अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे यह है पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड, पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड। बेसिकली ना हमने यहाँ पे इन दोनों की प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। पहले हम बात करेंगे पोलर कोवलेंट कंपाउंड की, पोलर कोवलेंट कंपाउंड। अच्छा, जो चीज़ मैं पोलर कोवलेंट कंपाउंड के लिए लिखूंगा, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड के लिए वो चीज़ बिल्कुल क्या होगी, ऑपोजिट होगी। नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं क्या इसकी आप डेफिनेशन बना सकते हो पोलर कोवलेंट कंपाउंड की, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड की। जिस तरह हमने कहा था जी आयनिक कंपाउंड कौन से होंगे, ऐसे कंपाउंड जिसमें आयनिक मोड हो, कोवलेंट कंपाउंड कौन से होंगे, ऐसे कंपाउंड जिसमें कोवलेंट मोड हो। अब ऐसे कंपाउंड जिसमें पोलर कोवलेंट मोड होगा वो पोलर कोवलेंट कंपाउंड है। और पोलर का मतलब क्या है, यह आपने पढ़ा हुआ, जिस तरह HCl है ना, ये HCl में हमारे पास Cl के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, अगर पोल बने हो उसको कहेंगे पोलर। और जिसमें ये वाला काम ना हो, जिसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, इसके ऊपर ना पार्शियल पॉजिटिव होता है ना पार्शियल नेगेटिव होता है, तो ये क्या होगा हमारे पास, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड। सही है, तो पहले नंबर पर हम डेफिनेशन ही करेंगे, दोज कंपाउंड विच हैव पोलर बॉन्ड, पोलर बॉन्ड इज कॉल्ड पोलर कोवलेंट कंपाउंड। नॉन पोलर कौन सा होगा, दोज कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड विच हैव नॉन पोलर बॉन्ड, जिसमें नॉन पोलर बॉन्ड होगा इसको क्या कहेंगे, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड। पहले नंबर पे, सेकंड नंबर पे आपने क्या करना है, जिसकी प्रॉपर्टी पे आते हैं, दो तो कम से कम लास्ट में लिखेंगे, अगर तीसरी भी लिखनी पड़ी तो हम यहाँ पे लिखेंगे। चलो देखो, आप खुद मुझे सोच के बताइए, मैंने ये चीज़ बता रखी है कि कौन सी चीज़ करंट गुजरने देगी और कौन सी चीज़ करंट नहीं गुजरने देगी। मैंने एक सिंपल चीज़ बताई थी, करंट गुजरने के लिए ज़रूरी है चार्जेस का, क्या यहाँ पे चार्जेस नज़र आ रहे हैं, मतलब ये वाली चीज़ पोलर कोवलेंट कंपाउंड जो होंगे ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होंगे, जबकि ये वाले क्या होंगे, बैड कंडक्टर, इनमें से करंट नहीं गुजर सकता। सही है, ये सिंपल सी बात याद रखिएगा। पहले नंबर पे, दीज कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये वाले कंपाउंड क्या होंगे, दीज कंपाउंड आर बैड लिख लो या नॉट गुड कंडक्टर लिख लो, दोनों बातें सही हैं। दीज कंपाउंड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये वाले कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते। अच्छा, आप इसके बाद इसकी एक बात लिखेंगे, वहाँ पे बात लिखेंगे। अच्छा, जो पोलर कोवलेंट कंपाउंड है ना, ये HCl, शायद एक दफ़ा मैंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया होगा, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अंदर वो एलुमिनियम फॉइल डाल देते थे तो गुब्बारा लगा था, हाइड्रोजन गैस को भरा था। अच्छा, ये HCl को हमने ले के पानी में डाला था, क्या ये हल हो गया था, हो गया था। सही है, नीचे आप ये नहीं, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, जो चीज़ हल नहीं होती ना वो पर एक लेयर बना देती है। मसलन आप एक घर में ग्लास ले लो, मैं ना हल होने वाली चीज़ की बात कर रहा हूँ, पानी लो, इसमें बेशक ये पेट्रोल डाल दो, डीजल डाल दो, मिट्टी का तेल डाल दो, या फिर जो घरों में सरसों का तेल होता है ऑयल डाल दो वो वाला, या खाने वाला तेल डाल दो, इसमें डालोगे ना ये ऊपर एक अलग लेयर बना देगा। मतलब क्या, ये दोनों की दोनों चीज़ें आपस में हल नहीं हुई। जो नॉन पोलर है ना, ये पानी में हल नहीं होते, जबकि पोलर क्या होता है, पानी में हल हो जाते हैं। हल होने का मतलब क्या है, कि वो बिल्कुल हल हो जाते हैं, और जबकि ना हल होने का मतलब क्या, वो पानी के ऊपर ऊपर ही रहता है या नीचे नीचे रहते हैं। सही है, तो यही बात हमने यहाँ पर लिखनी है कि दीज कंपाउंड आर
दीज कंपाउंड्स आर सोलबल इन वाटर, ये पानी में हल हो जाते हैं। और ये वाले क्या होते हैं, दीज कंपाउंड्स आर इनसोलबल या नॉट सोलबल भी कर सकते हो, इनसोलबल इन, देखो अल्फाज आप थोड़े बहुत चेंज कर सकते हो। ये किसी भी जगह पे वो उसने वो कंपल्सन लगाई हुई कि अगर आपने यहाँ पर ये लफ्ज़ लिखा है तो वहाँ पर वो लफ्ज़ नहीं लिख सकते। सही, यहाँ पे सोलबल लिखा, यहाँ इनसोलबल लिख दिया। ये इस तरह नहीं करना, दीज कंपाउंड आर नॉट इनसोलबल, ये गलत हो जाएगा। सही है, या तो इन लगा लो या आर के बाद क्या लगा लो, नोट लगा लो। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ बच्चे, ये जो पोलर कोवलेंट कंपाउंड होते हैं ना, इनके बॉइलिंग पॉइंट होते हैं हाई, नॉन पोलर के बॉइलिंग पॉइंट होते हैं लो, यूजली अमूमन ऐसे ही होता है। सही है, पोलर कोवलेंट कंपाउंड या दीज कंपाउंड हैव, दीज कंपाउंड्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, और इसमें क्या आ जाएगा, हाई की जगह पे, हाई की जगह पे दीज कंपाउंड हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं। लो ये था जी हमारे पास, अगर एक के याद कर लो कर एक के, बाकी के याद हो जाए, बस इस साइड पे ये याद रख लो, ये डेफिनेशन तो आप कर ही लोगे। ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर हैं, पानी में हल हो जाते हैं, हाई बल, मतलब इसमें सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव का मतलब क्या है, सारी चीज़ें पॉजिटिव, मतलब इसमें नॉट नॉट वाली हैं सारी चीज़ें, मतलब ये गुड कंडक्टर हैं, ये गुड कंडक्टर, बस जिसमें नॉन आ रहा है उसमें क्या लगाना है, नॉट। ये पानी में हल हो जाते हैं, ये पानी में हल नहीं होते, इनके हाई बॉइलिंग पॉइंट है जिसके, बस ये सारे नेगेटिव वाले हैं, वो सारे के सारे पॉजिटिव वाले हैं। सही है, सिंपल सी बात याद रखिएगा, यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।